Yes, good morning student. In the last video I told you about exercise 3.1 and question number 1 to 6. So today I am telling you question number 7. अब तक जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 1 to 6 में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ. अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता रही हूँ जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है. अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. आपको क्या करना है कि ये जो डेसिमल नंबर दे रखे हैं इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए. डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बिगर टू स्मॉलर. ठीक है, आपको जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसका मीनिंग क्या होता है, बिगर से स्मॉलर में आप चलेंगे. ठीक है, अब देखिए इनको आप कैसे अरेंज करेंगे. जो भी आपको नंबर दे रखे हैं पहले आप उनको लाइक जो टर्म्स है वो आप कन्वर्ट करेंगे. वो आप कैसे करेंगे, देखिए आप ये देखिए कि डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो कौन सी टर्म है. तो वो आपको पता लग रहे हैं इस वाली टर्म के अंदर 4 जो डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद. तो आप क्या करेंगे, हर एक को आप डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स तक जो टर्म्स है उसमें कन्वर्ट करेंगे. तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर है 0.07, आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.07 एज इट इज़. पीछे आप 2 जीरो लगा देंगे लास्ट में, ऐसे इसमें लास्ट में 2 जीरोस लगा दी. ये ऑलरेडी इसमें 4 डिजिट्स हैं और इसमें आपकी 2 थी, 0.43 हमने लास्ट में 2 जीरोस जो हैं वो ऐड कर दिए हैं. अब देखिए सारी ये जो टर्म्स हैं वो आपके लाइक जो डेसिमल्स हैं उसमें हम कन्वर्ट कर चुके हैं. अब देखिए अब इसको आप इजीली डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. कैसे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखना है. अब पॉइंट के बाद जो फर्स्ट जो नंबर होता है ना उसको आप चेक करिए. सबसे पहले सबसे बड़ा किस में, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, फिर यहाँ 0 है, यहाँ 4 है. सबसे बड़ा कौन सा नंबर आया, ये वाला, तो इसको आप रखेंगे फर्स्ट नंबर पर. उसके बाद 8 के बाद देखिए नेक्स्ट नंबर पे कौन सा आता है, यहाँ 0 है नहीं आएगा, यहाँ भी 0 है ये भी नहीं आएगा, यहाँ 4 है. तो आपको बताया कि ये 8 से कम होता है, आप सेकेंड नंबर पे लिखिए. फिर अब देखिए पॉइंट के बाद और फर्स्ट जो डिजिट है और कोई है ही नहीं, 0 और 0 है, इन दो को कंपेयर करना है. तो अब आप क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जो सेकंड डिजिट है जैसे कि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 0 है, इन में से बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा बड़ा होगा. तो आप यहाँ लिखेंगे 0.07 0.07000 और उसके बाद लास्ट में आपका कौन सा बचेगा, ये वाला नंबर. ठीक है, ऐसे ही आपका नेक्स्ट नंबर है, इसमें भी आपको कंपेरिजन करना है. इसमें देखिए ये ऑलरेडी जो है लाइक डेसिमल्स के अंदर कन्वर्ट है, हर एक में जो पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं यहाँ पर भी 2 हैं, इसमें भी 2 डिजिट्स हैं, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं. तो आप सिंपल ये जैसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसी तरीके से करेंगे. देखिए सबसे पहले पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पर हम नंबर्स को देखिए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें, यहाँ पर है 101, 86, 64 एंड 110. आपको बताया कि 110 सबसे बड़ा है तो ये फर्स्ट नंबर पर, फिर 101, उसके बाद पॉइंट्स के डिजिट जो भी हैं बाद हैं वो लिखेंगे एज इट इज़, फिर 86 और फिर लास्ट में 64.28. ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉलर टू बिगर. सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, ये वाला आपका पैटर्न होता है. तो ये आपको डिजिट्स, ये आपको डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं, इनको आपको कन्वर्ट करना है. तो सेम प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे. सबसे पहले ये देखिए पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा जो डिजिट्स है वो कौन सी टर्म में है. तो आपकी है लास्ट टर्म में, ये वाली टर्म में है, 3 डिजिट्स हैं. तो आप क्या करेंगे, सब में आप 3 डिजिट्स करेंगे लेफ्ट साइड पर, डेसिमल के राइट साइड पर. तो यहाँ देखिए 2 थी, 1 जीरो लगा दी, यहाँ 1 थी, 2 जीरो लगा दी, यहाँ 1 है, 2 जीरो, यहाँ 1 है, तो अगेन 2 जीरोस और ये ऑलरेडी 3 जीरो डिजिट्स हैं इसके अंदर. अब आप कंपेरिजन करिए, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखिए पॉइंट के बाद सबसे, आप ये देखिए कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है. ये देखिए 1.7 है, 8.7 है, ये तो बिगर है, इनको छोड़िए. आप देखिए इसमें से और इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, इसमें पॉइंट के बाद 5 है और इसमें पॉइंट के बाद 0 है, तो दिस वन इज़ द स्मॉलर नंबर. फिर आपका ये वाला नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा देखिए कौन सा आएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, तो 1 आएगा, 0 के बाद 1 आता है, फिर 7 आएगा और फिर लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा. ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कराया, सेकंड पार्ट आप ट्राई करिए. क्वेश्चन नंबर 9th में है, आपको ऐड करना है. तो जो डेसिमल नंबर है उनको आपको ऐड करना है. इसमें ऐड करने का तरीका क्या होगा, पहले आपको लिखने का तरीका आना चाहिए कि कैसे हम नंबर्स को लिखेंगे.
91.374 था। पॉइंट्स के नीचे पॉइंट रख के आप लिखिए 91.374, फिर 4.162, 9.2, 87.3458। डेसिमल के नीचे डेसिमल्स आने चाहिए। और आप अब आप क्या करेंगे, सबको आप लाइक इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 डिजिट्स है पॉइंट्स के बाद और इसमें 4 डिजिट्स हैं, तो और इसमें एक ही है। तो आप क्या करिए, आप पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के आप इनको रखिए, और उसके बाद जहाँ पर भी आपके डिजिट्स कम नहीं है, जैसे यहाँ पर 9.2 था आगे कोई डिजिट नहीं है, तो आप ज़ीरो लिख लिए, ज़ीरो लिखेंगे आप सब। और उसके बाद नॉर्मली हम जैसे ऐड करते हैं ऐसे ऐड करेंगे। ये देखिए 0 + 0 + 0 + 8 8, 4 + 2 6, 6 + 5 = 11, 1 कैरी, 7 + 7 = 14, +4 = 18, 1 3 + 1 = 4 5 6 7, 7 over 3 = 10, 1 carry, 1 + 1 = 2 + 4 6 or 9 15, +7 = 22, 2 here and 2 carry, 9 + 2 = 11, 11 and 8 = 19, that is answer। बस आपको इसमें याद रखना है कि पॉइंट्स के नीचे पॉइंट रख के आप लिखेंगे डिजिट्स को, उसके बाद आप ऐड करेंगे। ऐसे इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको 71.7, 71.07, 81.632, 9.64, 19.4287 है, इनको आपको ऐड करना है। तो आप नॉर्मली जैसे आप लिखते हैं पॉइंट्स के बाद डिजिट्स, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और उसके बाद यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, लेकिन यहाँ 2 थी, तो मैंने आपको तरीका बताया। अब 00 लिख लीजिए जहाँ पर भी आपके डिजिट्स की कमी है, लास्ट में 000, यहाँ पर भी हमने 0 लगा दिया। उसके बाद नॉर्मली जैसे आप ऐड करते हैं वैसे आप ऐड करेंगे। सो ये क्वेश्चन नंबर 9 कम्प्लीट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इस पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है 81.63 को इसमें से। तो आप क्या लिखेंगे, 97.896 हमने यहाँ लिख दिया, माइनस 81.630 यहाँ लिख दिया। माइनस देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 81.6 था, मैंने ज़ीरो अपने पास से लगाई। मैंने आपको बोला है कोई भी आपको डेसिमल्स के अंदर काम करना है तो पॉइंट्स के जो लेफ्ट साइड राइट साइड में जो जीरोज़ हैं डिजिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप लास्ट में ज़ीरो बना के उनको सेम कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 - 0 = 6, 9 - 3 = 6, 8 - 6 = 2, 9 उसके बाद जो जैसे हम नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करेंगे, 7 - 1 = 6, 9 - 8 = 1। अगेन सुन लीजिए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से इसको। तो इसको हमने ऊपर लिखा 97.896 और इसको मैंने लिखा नीचे, फिर यहाँ पर एक डिजिट नहीं थी तो वहाँ ज़ीरो लगा दिया। अब माइनस करिए इनको जैसे हम नॉर्मली करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, इसमें भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है 84.6 में से 69.342 को। तो यहाँ देखिए 84.6 था, 2 जीरो मैंने खुद से लगा लिए। अब आप माइनस करिए, देखिए 0 में से 2 को हम नहीं कर सकते, तो आप 1 बोरो लेंगे यहाँ से, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पर 9, 10 - 2 = 8, 9 - 4 = 5, 5 - 3 = 2। अब 4 में से 9 हम माइनस नहीं कर सकते, तो आप 1 यहाँ से लेंगे बोरो, 14 - 9 = 5, और यहाँ कितना बचेगा 7, 7 - 6 = 1। योर क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको सिंप्लीफाई करना है, देखिए कैसे करेंगे हम। स्टेटमेंट है 38.9694 माइनस 13.642 प्लस 81.963 माइनस 37.9214। ये क्वेश्चन देखने में जैसे आपको बड़ा लग रहा है, इतना इजी क्वेश्चन है वैसे, देखिए कैसे करना है। इनके आगे साइन देखिए, यहाँ पर इसके आगे कोई साइन नहीं है तो हम प्लस मान लेंगे, ठीक है। एक इस टर्म के आगे आपको प्लस साइन दिख रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, पहले मैंने इस और इस टर्म को ऐड कर दिया, ये आ गया। फिर जिनके आगे माइनस साइन है, एक इस टर्म के आगे माइनस साइन है और एक इस टर्म के आगे माइनस साइन है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो मैंने इन दोनों टर्म्स को भी ऐड कर दिया, ठीक है। पहले क्या किया, जो प्लस साइन वाली डिजिट्स हैं नंबर्स हैं उनको हमने ऐड कर दिया, फिर जो माइनस साइन वाली जो नंबर हैं उनको ऐड कर दिया, फिर जो प्लस वाला आया है उसमें से आप माइनस कर देंगे इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
So your exercise 3.1 from my side is complete. Try to do the leftover parts of this exercise so that you can complete the exercise 3.1. Thank you.